दिल्ली के फार्म हाउस गोलीकांड में जख्मी महिला की आज मौत हो गई। इस मामले में गिरफ्तार हत्या के आरोपी पूर्व विधायक राजू सिंह ने खुद को बेगुनाह बताया है। पुलिस ने पूर्व विधायक और उसके ड्राइवर को साकेत कोर्ट में पेश किया। इकतीस दिसंबर की रात फार्म हाउस के अंदर डांस फ्लोर पर 5 राउंड फायरिंग हुई और उसमें पेशे से आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता नाम की महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। वारदात वाली रात अर्चना गुप्ता को सिर में गोली लगी थी, तब से वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी जिन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन हत्या के आरोपी को इस बात का अफसोस नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में पूर्व विधायक राजू सिंह कह रहा है कि मैंने अर्चना गुप्ता को नहीं मारा। तो किसने मारा अर्चना गुप्ता को? किसने दिल्ली के फतेहपुर बेरी के फार्म हाउस में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई? आधी रात को गोलीबारी के बाद अर्चना गुप्ता के पति ने ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक राजू सिंह ने अपनी पिस्तौल से गोलियां चलाई जिसमें से एक गोली उनकी पत्नी को लगी। गोली लगने के तीसरे दिन अर्चना गुप्ता ने दम तोड़ दिया। आरोपों के मुताबिक पूर्व विधायक राजू सिंह ने अपनी पिस्तौल से फायरिंग की जबकि उसके ड्राइवर हरी सिंह ने राइफल से गोली चलाई। महिला को गोली लगते ही दोनों फार्म हाउस से फरार हो गए। दोनों की तलाश में पुलिस जुटी रही। कामयाबी मिली यूपी के कुशीनगर से, जहां से दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 बार MLA रह चुके राजू सिंह पर हत्या का आरोप है। सवाल है कि आखिर अर्चना गुप्ता पूर्व विधायक की पार्टी में कैसे शामिल हुई? जानकारी के मुताबिक अर्चना गुप्ता के पति और राजू सिंह के भाई दोस्त थे। उन्हीं के जरिए दोनों अक्सर पार्टी में आते रहते थे। अब पुलिस फार्म हाउस से मिली 2 राइफल और 800 जिंदा कारतूसों के साथ साथ CCTV तस्वीरों की जांच में जुटी है ताकि इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाया जा सके। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ तनसीम हैदर, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।